नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान के इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया तो इजराइल ने भी साफ कर दिया कि वह हमले का बदला लेकर रहेगा। इजराइल की ओर से कहा गया कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक होगी, इसमें इजराइल और ईरान के बीच बने हालात पर चर्चा होगी। हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया है। तो देर रात इसराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें अब आपको हम दिखाने वाले हैं। ईरानी की तरफ से तेल अवीब पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार से वहां पर हड़कंप मच गया। पूरे इसराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूल को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो ये 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर ईरान के हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। ये 2 तस्वीर आप देखिए, जहां पहले ईरान में जब हमला नहीं हुआ था उस वक्त की तस्वीर है और एक तस्वीर ईरान में जब हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर है। एयर स्पेस से ये तस्वीर ली गई है और इस तस्वीर में आप नुकसान भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुन कर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का ये भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे।
जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजरायल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। और ईरान इजराइल युद्ध पर अब बाइडेन का बयान आया है। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी वार रूम में बड़ी बैठक हुई है। इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह फेल था, जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, जो बाइडेन ने कहा है। तो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका तैयार है। इजराइल और ईरान युद्ध पर अमेरिका की नजर है, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां जो बाइडेन ने बड़ी बात कह दी है, ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास करेगा और पूरी तरीके से अमेरिका तैयार है, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। Data straight. We've been in constant contact with the Israeli government and our counterparts, and that remains to be seen. What is your message to Prime Minister Netanyahu, and have you spoken with him today? I haven't spoken with him. We have spoken with all his people, and I'll be talking to him. And my message. और ईरान इजराइल युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना चाहिए। अंडरस्टैंड दैट इजराइल हैड अ नीड टू रिस्पॉन्ड, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations, and that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea, and to some extent, anything that happens between Iran and Israel. और इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए 4 फ्रंट खोल दिए हैं और रिपोर्ट है कि इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नरसल्ला ब्रिगेड पर चर्चा हो रही है, जो कि ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्ला, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है? लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्ला की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था।
अरब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इसराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah on the ground and destroy the infrastructure, and then they send the soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader who was extremely well-spoken and who led the movement for the last three decades. So المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. המלחמה הזאת היא מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים בשבע גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. איראן נה 13 אפריל כו ישראל כ נבאתי מ ארביס כו אפנה סבסה בדא טארגט בנאיה תה. תב איראן נה סיריה מ אפנה דוטאבאס פר הוא ישראלי হামלے کا بدلہ لیا تھا. ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ 13 اپریل کو اس کی 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इस बार भी ईरान की तरफ से आने वाली काउंटर स्ट्राइक नेवातिम जैसे सैन्य अड्डों पर हो सकती है, ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडरा रहे हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं, इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक यूएसएस ट्रूमन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर के आसपास घूम रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्ला को डराने के लिए जारी हुआ है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा।
लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। वॉर जोन नंबर 1 देखिए, अमेरिका का कैरियर यूएसएस ट्रूमैन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए, अगर युद्ध तेज हुआ और इसमें ईरान दाखिल हुआ तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इसराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इसराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1,00,000 टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोन दरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लग बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इसराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्ला, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समुद्र में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहाँ से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहाँ लेबनान और इसराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है। और इसी बीच साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ है। लाल मटिया फरक्का MGR रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया। पोल संख्या 41A के पास बम विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि घूटू टोला के पास अपराधियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया। पुलिस और NTPC अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि रेलवे ट्रैक को ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ है। लाल मटिया फरक्का MGR रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ साहिबगंज से संवाददाता पवन राय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पवन, फिलहाल क्या स्थिति है, कैसे हुई ये घटना? जी बता दें कि बीती आधी रात को जो है बरहेट थाना क्षेत्र के ललमटिया फरक्का MGR ट्रैक जो है गुट्टी गांव है, वहां से गुजरी है, जहां पर ये घटना बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है बम विस्फोट कर पटरी को जो है रेल के जो ट्रैक है उसको उड़ाने का प्रयास जो है किया गया है, जिसमें रेलवे ट्रैक जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने सबसे पहले जो है MGR रेल प्रशासन जो है उनको दिया, स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है उनको दिया, तब जो है तुरंत जो है इस पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और जो रेलवे कर्मचारी हैं तुरंत अपनी जो है जांच में जुट गए हैं। फिलहाल अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर जो इस रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है उसमें किस चीज का जो है यूज किया गया है। पवन, रेलवे ट्रैक को उड़ाने की बात कही गई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जानकारी मिली है? जी बता दें कि इस घटना में रेलवे ट्रैक जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और फिलहाल जो है उस एरिया को सील कर दिया गया है। FSL की टीम को जो है बुलाया जा रहा है, तमाम जो चीजें हैं उस पर जो है गहनता से जो है जांच की जा रही है। ठीक है पवन, देखना होगा, पुलिस और NTPC की तरफ से जांच की जा रही है, क्या कुछ इसके पीछे वजह निकल कर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये बम विस्फोट हुआ है और इस पूरे मामले पर पुलिस और NTPC अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं।
बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ है। इसमें हालांकि नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। लाल मटिया फरका MGR ट्रैक पर ये बम फटा और अपराधियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया है, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त साहिबगंज से बता रहे हैं। हालांकि ये जानकारी सामने आई है कि इस घटना में बम विस्फोट में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।